home to some of the greatest civilizations. From Mesolithic era to modern times, Sanghar and Thatta has witnessed numerous tides in time, such as streams of invasions. But this time they face grave threats. Threats of merciless floods and severe droughts. Because of the disasters and because of the lack of good governance and lack of equitable distribution of resources in the communities, they are passing through very disastrous situation. कुछ जो एरिया था वो इरिगेटेड लैंड में आता था जो आबपाशी के लिए मौजूद ज़मीन थी. दूसरा जो इसका एरिया था वो था बिल्कुल सहराई ज़मीन जो ड्राउट अफेक्टेड थी. ख़वातीन जब जाती थी पानी भरने तो उनके पीछे के जो काम होते थे घरों पर, यानी कोई घर में बूढ़ा है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बीमार है, उनकी ज़िम्मेदारी भी उन ख़वातीन ने पूरी करनी होती थी. टाइम उनका डिवाइड हो जाता था, उनका फिज़िकल लेबर बढ़ जाता था. 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पानी के लिए. सुबह जाते थे, बच्चे पीछे रोते थे. देर हो जाती थी बहुत, वापस आते थे तो घर वाले डांट देते थे, बोलते थे पानी जल्दी भर के आओ. डांट पड़ती थी तो बहुत सदमा लगता था कि पापा के पास थे तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, यहाँ तो गांव में पानी भी नहीं है पीने के लिए. अब आगे कोई देखने नहीं जाता आगे कौन धो रहा है क्या हो रहा है, तो फिर आगे धो रहे हैं नीचे पी रहे हैं तो पानी भी उसी से भरते थे, खाना हमारा उसी में बनता था और हमारा मवेशी है वो भी पानी उसमें भर के लाते थे, वही पीने का पानी वही है. जाम वासे बीमारी मलेरिया जोला बारन के यो जाम वासे गंदा पानी जो है तो इतना 6-7 किलोमीटर से परे थे बिठो भरे इंदा आयो इतने पानी जहर जो का है सा खारी है वो पानी खड़ी अच्छी से जमा करे असा पींदा आयो असा जडन ते उठन ते इन तरफ सा माड़ू भी भरे इंदा आयन और कच्छन मजे कलू. Tackle challenges of inadequate water, poor sanitation and hygiene in these disaster-prone areas, Norwegian Church Aid, with its implementing partner Research and Development Foundation, came up with a unique strategy of strengthening community resilience to floods and improving access to safe drinking water, adequate sanitation and hygiene for almost 180,000 people of Sanghar and Thatta under NRK Telethon funded project, which vows to contribute towards sustainable development goals while keeping it aligned with Pakistan's approach to total sanitation. ये project mainly SDG sustainable development goal number 6 की तरफ contribute कर रहा है जो mainly refer करता है provision of clean drinking water and sanitation facilities. अलॉन्ग साइड जिस तरह आपको मालूम होगा कि इसमें SDG 7 क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ है, SDG 1 जो है पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ है, तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट रेजिलियंस बिल्डिंग ऑफ द लोकल कम्युनिटी. As the first step, a baseline survey was conducted in target district to select villages with dire need of assistance. In next stage, village development committees were formed to practically ensure ownership and sustainabilities of locals. A diverse set of trainings on WASH-related themes, including water treatment, good hygienic practices, training for local masons, sanitation marketing for vendors, and building of smokeless stoves were conducted. Complaints referral mechanism was established in the community to address the grievances of locals related to project.
वीडीसी का मकसद ये होता है गांव की भलाई के लिए काम करना, सबको इकट्ठा लेकर चलना, आपस में मिलजुल कर रहना। वो किसी चीज को या सदर को अगर हटाना चाहे दूसरा अहदेदार चुन सकते हैं जो उनके साथ अच्छे तरीके से चले। नेक्स्ट फेज फोकस्ड ऑन एनेबलिंग कम्युनिटीज टू हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन। बहुत सारे जो हैंडपम्प्स या पानी की फैसिलिटीज थी जो कि सैलाब की वजह से तबाह हाल हो गए, एनसीए ने कोशिश की कि वो जो तमाम स्ट्रक्चर थे उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। उनके जो पानी के स्टोरेज पॉइंट्स थे उनको हमने रिहेबिलिटेट किया, उनके पंपिंग हाउसेस को हमने रिहेबिलिटेट किया, उनके जो पाइपिंग मैकेनिज्म था, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म था उसको फाल बनाया और लोगों के घरों तक हमने पानी पहुँचाया। कंस्ट्रक्शन ऑफ बोर होल्स विद हैंड पंप्स and water storage tanks were done. Due to meager electricity facilities in targeted areas, water supply schemes using solar power were introduced which could benefit residents and their livestock. Mechanical चीजों में आप थोड़े वक्त के साथ साथ थोड़े बहुत malfunctioning आते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमने जो लोग एक पानी की स्कीम से इस्तेफादा करते हैं तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने मदद आपके तहत 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये वो चंदा करें। सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक बात आती है इसमें O&M फंड्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फंड्स और साथ में कम्युनिटी की ओनरशिप बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ देयर पार्टिसिपेशन सिंस द इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया गया। Community strengthening, leaving viable community institutions in place was a key indicator that we worked on through this program. Latrines were constructed in the communities through self-help and component sharing model under PATS approach. NCA का ये एक बहुत बड़ा मेन विजन है जिसमें सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है। बिकॉज वी विद इन NCA थिंक कि जब तक हम लोकल सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे हमारी अपनी इंटरवेंशंस और उसकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन मार्क रहेगी। हमारे यहाँ NGOs वाले नलके लगाए तो हमें बहुत फ़ायदा है पानी में, क्योंकि इसमें बीमारी नहीं होती है, रात को भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, घर के काम को देर नहीं होती है, पीछे बच्चे नहीं रोते हैं, अगर दूर जाते थे तो बहुत डांट पड़ती थी, अभी वो चीज़ नहीं। गवर्नमेंट का नैरेटिव को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी आर सोलली डूइंग ऑन आवर ओन, सर्टेनली गवर्नमेंट की काफी ज्यादा सपोर्ट रही। आज भी बारंबार नलका देना, वो सही नलका लगाया, एनु पानी साफ सुथरो इस्तेमाल करू, घड़ा बड़ा भरी सही नमूने धिका ठाया, धिका में सही राचो राची करें सुठे नमूने सोने नमूने हमें बीमारी थी नहीं, जरासीम थी नहीं। कि NCA वालों ने बोला कि ये दरख्त लगाओ, तो माशाल्लाह आप गर्मी की कितनी भी धूप हो कितनी भी गर्मी हो पंखे की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, बहुत ठंडी हवा बेहतरीन हवा लगती है, जिसके घर में बैठेंगे सुकून से बैठेंगे। NCA तरफ़ा असंगे 25 टाका गोठ में मिले, उन 25 टाकन में असंगे वे में वो फायदो मिलो है, जो अस पानी जमा कर सकूँ था, जो 4-5-8 दिन जो पानी अस हों। इस प्रोजेक्ट के अम्ब्रेला के अंडर हमने जहां ख़वातीन और मर्दों को साथ काम करने पर आमादा किया, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, वी हैव सीन के एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज जो है ना, दैट वाज वेरी ऑब्वियस। प्राउड ऑफ देयर वास्ट हेरिटेज एंड हिस्ट्री, पीपल ऑफ सांगर एंड थट्टा आर ट्रूली टर्निंग द पेज। विद सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय नॉर्वेजियन चर्च एड, वी आर सर्टेन दैट टारगेटेड एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सांगर and Thatta would shine through any tide of time.